पीछे भी एक साइंस है, जैसे कि अभी असद भाई ने हिस्ट्री बताई है, अगर हम हिस्ट्री को देखें समझें तो इससे काफी जानकारी मिलती है। यार कॉफी पीते हैं। थैंक यू। यार मैं तो लाठे लूंगा, और तुम क्या लोगे? मैं कैपेचिनो। और यार एक ये चिकन क्रोसॉन्ट कर देते हैं यार। ठीक है ओके। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं यार। एक लाठे कर दीजिएगा और एक कैपेचिनो कर दीजिएगा, और जो आपका एक चिकन क्रोसॉन्ट है ना वो एक कर दीजिएगा। और असद भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। अच्छा असल में मैं क्योंकि आपके पास तो बहुत टाइम से आ रहे हैं हम लोग, और मेरे जहन में एक आइडिया क्लिक हुआ था, तो मैंने कहा यार असद भाई से इस बारे में मशवरा भी करूं। जी, वो ये कि ये मेरा दोस्त है, इस कर्दू से बेसिकली बिलोंग करता है, तो इसके बाद अच्छा खासा वहाँ पे प्रॉपर्टी है, तो वो चाह रहा है कि वहाँ पर एक कॉफ़ी वगैरह का एक सेटअप वहाँ पर लॉन्च करें, क्योंकि आपको पता है एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुका है वो, और टूरिज़म बहुत है वहाँ पर। तो ये मुझे लगता है कि एक तो कॉन्सेप्ट आप लोगों का बहुत अच्छा है और ये बहुत चलेगा वहाँ पे, मुझे इसकी पूरी मोस्ट वेलकम। आप बिल्कुल ये सेटअप लॉन्च करें। सही, तो मैं ये जानना चाह रहा था पहले कि इसके लिए भी और मेरे लिए भी कि ये जो आपका कॉन्सेप्ट है ये कैसे आया आप लोगों को, थोड़ा इसके बारे में बताएं। आपका तो ये ब्रांच है ही अपना, आपने लिया हुआ है, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं जो क्या सीन। अच्छा, कॉफ़ी वगैरह बेसिकली ये ब्रांड 2018 में लॉन्च किया गया, और इसके जो फाउंडर हैं वो हैं मुश पंजवानी, उनका नाम है। ठीक है। वो बेसिकली हैप्पीनेस ट्रेनर हैं। अच्छा। वो पहले रहते थे हांगकांग, गए यहीं से थे, लेकिन 16 साल वो हांगकांग में थे, तो वो ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान आया करते थे। अच्छा। डिफरेंट मल्टीनेशनल्स जैसे बैंक्स हैं, अली बैंक और इस तरह डिफरेंट मल्टीनेशनल्स जो हैं, एंग्रो हो गया, इस तरह के वो उनको बुलाया करती थी स्टाफ मोटिवेशन की ट्रेनिंग्स के। अच्छा, गुड। तो होता क्या था कि बाहर के मुल्कों में ये बड़ा एक जो है कॉमन कॉज कि आप आएँ, आप कॉफ़ी लें, बैठें, काम करें, अपना वर्कआउट करें, और ट्रैवलर्स को और टूरिस्ट को बहुत फ़ायदा होता है। सही सही। हांगकॉन्ग में उनके उनको बहुत सारी ऐसी जगहें ऑलरेडी अवेलेबल थी, वो पाकिस्तान में उनको प्रॉब्लम होती थी जब वो आते थे, तो ज़ाहिर है अब ट्रैवलिंग पे आए हुए हैं, ट्रेनिंग पे हैं, ब्रेक भी मिला है, तो बैठ के वापस होटल जाके और फिर वापस आना ही प्रॉब्लम होता था, तो वो कोई कैफे ढूंढते थे। सही। कोई रेस्टोरेंट ढूंढते थे कि जहाँ बैठ जाएँ, खाना भी खा लें, काम भी कर लें। बेहतरीन। तो ऐसी कोई मतलब स्पेसिफिक फैसिलिटी अवेलेबल नहीं। राइट, हो गया। दूसरे आउटलेट्स में, कॉफ़ी शॉप्स में वो जाते थे, बट क्या होता था कि वो सुबह से लेकर रात तक वहाँ बैठ नहीं सकते एक उसके ऊपर, और सबसे मेजर इशू था कोई पावर स्लॉट नहीं होती थी। सही। प्लग्स का इशू है, लैपटॉप लगाना है तो एक कोई सेटिंग है जिसके पीछे प्लग है, इस तरह के मसाइल थे। तो फिर वो जब 2018 में पाकिस्तान आए, अच्छा, तो उन्होंने सोचा कि मैं क्यों ना ऐसा ये कॉन्सेप्ट लॉन्च करूं। तो उस हिसाब से फिर उन्होंने एक कैफ़े बदर कमर्शियल में पहला कॉफ़ी वगैरह के नाम से पहले वहाँ लॉन्च किया। तो एक हमारा बड़ा मिनिमम स्पेंड होता है, वो आप आएँ करें, उसके बाद आप यहाँ पे पूरा दिन आराम से बैठें। सही। चार लोग हैं पर पर्सन, एक स्पेंडिंग कर लेंगे। ठीक है। फिर यहाँ बैठें, काम करना चाहते हैं तो नीचे वर्क बेंचेस हैं। अच्छा। आप आएँ, अपना लैपटॉप लगाएं, नीचे पावर सॉकेट्स हैं। सही। और पूरा दिन बैठें काम कर। बेहतरीन। ये जो आइडिया है एक तो बहुत ही यूनिक है, पिक्यूलियर है, आइडिया क्रिएटिव है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग आइडिया है। मुझे बहुत खुश होता हूँ मैं जब मैं आता हूँ, जब आता हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ, तो वो बाकी इंटरेस्टिंग, इसमें कोई शक नहीं है। असद भाई, एक तो मुझे जो है वो किसी भी चीज़ की जो जो इन्वेंट हुआ है उसकी हिस्ट्री क्या है उसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट है,
तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा कॉफ़ी के बारे में भी आप बताएं कि इस कब से इसका आगाज़ हुआ, क्या इसका सिनेरियो था, थोड़ा सा इसके बारे में। अच्छा, कॉफ़ी की जो इन्वेंशन है ना, इसकी हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है। अच्छा, ये इथियोपिया से स्टार्ट सही हुआ क्या कि एक शेपर्ड चरवाहा, ठीक है, वो अपनी बकरियों को रोजाना निकला करता था चराने के लिए ना। तो होता क्या था कि एक खास उस फील्ड में जहाँ वो जाता था, वहाँ खास स्पॉट था, वहाँ पे कुछ बेरीज उगी हुई थी, बेरीज होती हैं, वो गिरी होती थी, तो वो बेरीज जब वो खाती थी तो हाइपर हो जाया करती थी उसकी बकरियाँ, उसकी कीड़े वो बहुत हाइपर हो जाए, तो वो उसको पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन उसने नोटिस करना शुरू किया कि यार ये खास जगह पे जाती है, वहाँ पे कुछ ज़मीन पे बेरीज गिरी हुई होती हैं, तो वो क्या सिलसिला है, वो एक नेचुरल प्लांट होगा काफ़ी सही, और उसकी बेरीज होती हैं, बेरीज के अंदर बीज होता है जो आप बेसिकली कॉफ़ी में इस्तेमाल करते हैं, राइट हो गया। तो उसने फिर उनको ट्रैक किया। अच्छा, उस पर्टिकुलर स्पॉट पे जब वो गया तो उसने देखा कि यहाँ पे कुछ फल गिरे हुए बेरीज का, उसने वो उठाया, उसको खा के मतलब असेस किया, ज़ाहिर है ह्यूमन नेचर है, इम्प्रोवाइजेशन होती है, इनोवेशन होती है, दिमाग सोचता है ना इंसान के लिए क्या हो क्या रहा। तो फिर वो इस नतीजे पर पहुँचा कि ये जब ये खा रही हैं उसके बाद ये हाइपर हो रही है, तो ये इसमें कोई खास कोई ऐसी चीज चार्ज हो रही है, वही चार्ज हो जाए। तो फिर उन्होंने उसने उसको खा के देखा, फिर उसने उसको पीस के देखा, उसने पका के देखा, तो इवेंचुअली फिर उसने ये अखज किया नतीजा कि इसको पीना चाहिए। अच्छा अच्छा, पानी में मिला के सही है, तो एक ड्रिंक इस तरह ब्लैक कॉफ़ी समझ लें, स्पेशल शॉर्ट डेवलप। फिर क्या हुआ कि इस तरह वहाँ पे फिर ज़ाहिर है वो एक चरवाहा था, उसने उसके पूरे कबीले में लोग थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता सबको पता चलता गया, वो जगह एक जो है वो लोगों के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग बन गई कि यार ये यहाँ पे कॉफ़ी है, ऐसी चीज़ है, तो फिर लोगों ने वो कॉफ़ी पीना शुरू किया। फिर हिस्ट्री इसी तरह आगे बढ़ी सही, फिर जैसे टर्की तक चला गया। फिर क्या हुआ कि टर्की में एक बड़ा कॉन्सेप्ट है सूफीज़म, पुराने ज़माने का कॉन्सेप्ट है, ये 14th-15th century की बात कर रहा हूँ ऐसे। तो वहाँ पे जो सूफीज़ होते थे वो अक्सर जो है जब वो रात को उन्होंने अपना एक सर्टन उनका प्रेयर करने का तरीका था, वहाँ पे फिर उन्होंने रात को ये कंजम्पशन इसकी शुरू की। अच्छा, ये उनको एक्टिव रख, मतलब वी आर्स के अंदर वो फिर ये लेना शुरू किया। ठीक, टर्की से वो फिर आगे बढ़ता गया, फिर यूएसए, ब्रिटेन, अच्छा ये वहाँ पहुँचा, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है कॉफ़ी जो है वो सेकंड लार्जेस्ट कमोडिटी बन गई। अच्छा, दुनिया की। अच्छा है, गुड यार, मैं मतलब काफ़ी महसूस हुआ, क्योंकि खैर थोड़ा बहुत मुझे भी आइडिया था, लेकिन आपको क्योंकि काफ़ी वास्ट नॉलेज है इसकी, तो एक अच्छा वो एक्सपीरियंस है। अच्छा, अगर हम देखें जैसे कि कैपुचिनो है या लाटे है या मोखा है या आपका माकियाटो है, तो इसमें स्लाइटली डिफरेंस है, और बहुत जो अमेरिकानो है वो एकदम ब्लैक कॉफ़ी कहलाता है सारी चीज़ें। तो खैर इंशाल्लाह भी हम ट्राई भी करते हैं यहाँ पे, अपने दोस्त को भी कराऊंगा मैं। लेकिन एक चीज़ छोटी सी ऐड करूँगा, हाँ, ये बेसिक कॉफीज़ हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, ऐसे ही होती हैं विदाउट मिल्क, तीन होती हैं विद, ऐसे ही ऐसे ही चार्ट भी हमारा पीछे लगा हुआ है और यहाँ पे भी मौजूद है मेन्यू पे, बिल्कुल ऐसी स्पेशल शॉर्ट है, सिर्फ 30 ml कॉफ़ी है जिसमें कोई मिल्क नहीं होता, बिल्कुल ऐसी प्योरली ब्रूड है, ब्लैक कॉफ़ी का शॉर्ट जो अभी मैं आपको बता रहा था, बिल्कुल, और फ्रांस वगैरह में बड़ा कॉमन पीते हैं। फिर अमेरिकानो आ जाती है, अमेरिकानो क्या है कि उसी शॉर्ट में आप गर्म पानी वो ब्लैक कॉफ़ी, और उसी तरह मकियाटो आती है, ये तीनों ब्लैक हैं। फिर लाटे कैपेचिनो मोका ये विद मिल्क कॉफी, विद मिल्क थोड़े थोड़े से फर्क है, और फोम भी होता है ना इसमें, बेसिकली फोम होता है, लाटे में फोम कम है, मिल्क ज़्यादा है, कैपेचिनो में फोम ज़्यादा है, मिल्क कम है, और तीसरी होती है मोका, मोका चॉकलेट है, कॉफ़ी और चॉकलेट का कॉम्बिनेशन, ऐसे ही ऐसे। बहुत शुक्रिया असद भाई, आप कंटिन्यू करें, इंशाल्लाह फिर बात चलती रहेगी आपसे, बहुत शुक्रिया। अच्छा सिराज, मैं जब गया था वहाँ पे लश्करदू में, तो हुआ ये था कि मैंने एक तो एक्सपीरियंस जो वहाँ पे किया है, जगह है बहुत खूबसूरत है, नो डाउट, मैं गिलगित भी गया, हुंजा भी गया, लश्करदू भी गया, लश्करदू में अपना शंग्रेला हो गया, ठीक है ना, और आपका
अपर कचोरा लोअर कचोरा ये तो खैर वो तो देवसाई वगैरह नहीं नहीं मैं देवसाई गया हूँ देवसाई गया हूँ और शिवसर भी गया हूँ तो टूरिस्ट एक हब बन चुके हैं कोई सा भी ब्रांड कोई सा भी ब्रांड वहाँ पे आराम से चल भी सकता है सही वहाँ पे एयरपोर्ट पे इंटरनेशनल बन रहा बहुत अभी आहिस्ता आहिस्ता से वहाँ की जो चीज़ें हैं बनती जा रही है और डेवलप होता जा रहा है बहुत हो जाएगा सही सबू की जो ब्यूटी है अब आहिस्ता आहिस्ता जो है सबकी नज़रों में आने लगा है लोग वहाँ पे एक से बढ़ के बड़े सॉफ्ट लोग हैं बड़े पोलाइट हैं और बड़े जो है ना वेलकमिंग है इसमें कोई दो राय नहीं है और मैं एक और बात बताऊं कि वहाँ पे जो एक लिटरेसी रेशो है ना जो रेट है वो बहुत ही क्लास है यार मतलब हर तकरीबन हर बच्चा जो है वहाँ पे हर बंदा जो है पढ़ा लिखा है मेजॉरिटी आपको पढ़े लिखे लोग भी मिलेंगे हाँ अच्छे ही मिलेंगे एंजॉय करेंगे हर लिहाज से वाकई में लोग भी अच्छे हैं जगह भी अच्छी है अल्लाह की तरफ से हाँ कहते हैं कि गिलगित के पहाड़ों और आबशारों पे दुनिया की खूबसूरती है तो आप जरूर देख सकते हैं कोई भी देखना चाहे सही टेस्टी है सिराज कैसा लगा टेस्ट यार बहुत जबरदस्त है ना मजे का है ना यार मुझे कॉफ़ी जो है पसंद है जिस वक्त बहुत ही ऐसा विंड चिल चल रहा हो ना तो ऐसा ठंडा मौसम के अंदर जो है ना मुझे कॉफ़ी बहुत पसंद है वैसे भी खैर पीना चाहिए कॉफ़ी चार्ज रहता हूँ यार मैं तो सोच रहा हूँ कि जिस दिन हम लोग वहाँ पे अपना जब ये लॉन्च करेंगे तो अब पहला दिन होगा और अपने ही फ्रेंचाइज के ऊपर जो है बैठ के हम लोग कॉफ़ी पी रहे होंगे मैं तो उस दिन का वेट कर रहा हूँ सिराज भैया हाँ एक तो यार यही तो यार आप ज़रा कॉन्सेप्ट को समझे ना यार एक तो वहाँ पे सर्दी और जो भला की सर्दी है वहाँ पर उसमें ऐसी अगर कॉफ़ी मिल जाए तो लाजवाब है हाँ ये तो है ना और अगर जब वहाँ की वहाँ पे जो सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है -20 हाँ तो कॉफ़ी भी इनसे चल सकते हैं बस है ना कॉफ़ी का बड़ा बेहतरीन आइडिया है करते हैं इसको करते हैं चले फिर अभी चलने का करें हाँ बस निकलते हैं यार ये इसको एंड करते हैं चले ओके